एर्गोनॉमिक हैजार्ड। तो एर्गोनॉमिक क्या है, तो सबसे पहले हमको पता चलना चाहिए कि एर्गोनॉमिक्स क्या चीज है। तो एर्गोनॉमिक्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं, और एर्गोनॉमिक्स के नहीं होने की वजह से जो हैजार्ड्स होंगे वो हमारे इसके अंदर आएंगे। तो एर्गोनॉमिक्स क्या होती है, सबसे पहले बात कर लेते हैं। हमारे पास में दो तरह की चीज़ें होती हैं। हमारे पास कोई जॉब है, तो या तो हम ह्यूमन जो है, पर्सन है, उस पर्सन को उस जॉब के लिए फिट करें, यानी कि उसको ट्रेन करें जॉब के लिए फिट करें, या फिर कोई ह्यूमन है जो हैंडीकैप्ड है, जॉब को उस ह्यूमन के लिए फिट करें। सपोज एक ड्राइवर है और एक्सीडेंट में उसका पाँव डैमेज हो गया, पाँव खराब हो गया और वो ब्रेक नहीं लगा सकता, है ना। एक पाँव खराब हो गया, राइट साइड वाला या लेफ्ट साइड वाला कोई सा भी, तो वो ब्रेक नहीं लगा सकता, या मान लो लेफ्ट वाला खराब है, वो क्लच नहीं दबा सकता। हमने क्या किया, हमने उसके लिए एक ऐसी कार डिज़ाइन कर दी जिस कार में हैंड का ब्रेक का सिस्टम जो है हाथ में दे दिया। तो अगर हमने ब्रेक का सिस्टम हाथ में दे दिया तो क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में उसको बोलेंगे एर्गोनॉमिक्स बोलेंगे, क्योंकि वो पर्सन अब अपना काम कर पाएगा। ठीक है, तो ह्यूमन बायोलॉजिकल साइंस को इंजीनियरिंग साइंस के साथ हमने मिक्स करके एर्गोनॉमिक्स को डेवलप किया। इसमें क्या होता है, सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाता है और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो पर्सन जो है वो खुद भी सेटिस्फाई होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। फिटिंग द जॉब टू द वर्कर, मतलब जॉब को हम फिट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू वर्कर, हम वर्कर को फिट नहीं कर रहे हैं। मान लो कोई हैंडीकैप हो गया और उस पर्सन को बोले यार तुम हैंडीकैप हो गया, तुम ये काम मत करो, तुम दूसरी जॉब कर लो, तो वो कहलाएगा फिटिंग द वर्कर टू जॉब, जो कि इनह्यूमन होता है। हम क्या कर रहे हैं कि जॉब इस तरह से डिसाइड कर देंगे, डिजाइन कर देंगे कि पर्सन वो काम कर पाएगा। और क्या चीज़ें इसमें आ सकती हैं, जैसे एर्गोनॉमिक्स के अंदर किस किस की जरूरत है, एनवायरमेंटल, ऑर्गेनाइजेशनल, टास्क जो काम किया जाता है, टूल्स एंड वर्क स्टेशन, इन चारों पांचों चीज़ों में चेंज करके हम एर्गोनॉमिक्स को डेवलप करते हैं। ठीक है, अब एर्गोनॉमिक्स का गोल क्या है, तो एर्गोनॉमिक्स का गोल ये है कि हम जॉब स्टेशन पे जब हम काम कर रहे हैं वहाँ पर वर्क की वजह से हमको कोई मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स ना हो, है ना, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स नहीं होने चाहिए। तो गोल क्या है, टू रिड्यूस द वर्क रिलेटेड MSD, MSD मतलब महेंद्र सिंह धोनी, या मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। तो ये मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर अपने डेवलप नहीं होने देने हैं। MSD है क्या, कि वर्क स्टेशन पे काम करते समय ऐसी इंजरी जो आपकी मसल को, लिगामेंट को, टेंडन को, बोन को अफेक्ट करती है, उसको MSD हम बोलते हैं। ठीक है, कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉमन सिम्टम्स में जैसे जॉइंट पेन होना, पेन एंड टिंगलिंग सेंसेशन होना हैंड्स में, रिस्ट में, फोरआर्म्स के अंदर, शोल्डर्स के अंदर, इन्फ्लामेशन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, शूटिंग पेन होने लग जाए, तो ये सारे हमारे मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स के अंदर आते हैं। फिर कॉमन सिम्टम्स आप देखो, इसे बैक पेन हो रहा है काम करने की वजह से, इसका पर्सन ने यहाँ उठा रखा है इस तरह से कंधे पे, तो उसको नेक पेन होगा, ये टेलीकॉलर है इस तरह से बात करती दिन भर तो इसकी गर्दन में दर्द होगा, ये ड्राइवर है अगर इसको बार बार ऐसे पीछे मुड़ के देखना है तो इसको नेक पेन होगा। अब जैसे आप ड्राइविंग करते हो तो आप देखते हो बैक व्यू मिरर होता है, बैक व्यू मिरर से आपको फ़ायदा क्या है, पीछे से कोई गाड़ी आ रही होती है आपको पता लग जाता है। पर सोचो जिस ज़माने में बैक व्यू मिरर नहीं था अगर कारों में, तो लोग पीछे मुड़ के देखते थे, बार बार पीछे मुड़ के देखने की वजह से उनके गर्दन में दर्द होता था और ट्रैफिक ध्यान पड़ता था, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ते थे। तो इसलिए बैक व्यू मिरर का डेवलपमेंट होना भी कहीं ना कहीं एर्गोनॉमिक्स का पार्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती कॉमन सिम्टम्स से, फिंगर्स टोए में वाइटनेस हो जाती है, बर्निंग नेक पेन होता है, बैक नेक पेन होता है, स्टिफनेस होती है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे ये कंडीशन देखो, ये कंप्यूटर ऑपरेटर है, इसका पोजीशन बिल्कुल सही नहीं है, ये देख रही है विजन है इसका नीचे, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी गर्दन में एक टर्न रहेगा, उसकी वजह से इसके नेक में प्रॉब्लम होगी। ये देखो, इसने एबनॉर्मल फोर्सफुल एग्जर्शन किया हुआ है, उठा रखा है, इसको कभी ना कभी नेक में इश्यू होगा, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स होंगे। यहाँ देखिए पोजीशन देखिए, क्या टाइप कर रही है नीचे, पूरा इसको झुकना पड़ रहा है, लीन बॉडी हो रही है इसकी, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इसको आगे जाकर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स होंगे। ये देखो एक्सट्रीम रेंज ऑफ मोशन, हिप जॉइंट पर इसका रेंज ऑफ मोशन एक्सट्रीम है, इसको पूरा नीचे झुक करके अगर सामान ऊपर उठाएगा तो इस जॉइंट पर मैक्सिमम इसका मूवमेंट आएगा और इसकी यहाँ पर वर्टिब्री भी अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, देन उसके बाद में देखो आप, इसके बाद में देखिए एक्वार्ड पोजीशन, इसका पोजीशन देखो आप, ये किस तरीके से बैठा हुआ है, ये इसको मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर करेगा। देन ये आ जाता है एर्गोनॉमिक्स में क्या होना चाहिए, तो आप जो कंप्यूटर स्क्रीन पर काम कर रहे हो वो आपके आई के लेवल पर होना चाहिए, आप जहाँ टाइप राइटर रखोगे तो आपके एल्बो लेवल पर आपका टाइप राइटर होना चाहिए, आप जब जिस चेयर पर बैठे हो तो आपके फुट ग्राउंडेड होने चाहिए, हवा में लटके हुए नहीं हो, और जो चेयर है वो आपकी बैक को सपोर्ट करती रहनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एर्गोनॉमिक्स का पार्ट है और इसको एर्गोनॉमिक चेयर बोलते हैं। तो ऑफिसेज में इस तरह की चेयर्स होनी चाहिए, ये एर्गोनॉमिक्स का पार्ट है। ठीक है,